हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार प्लस क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 2023 की जितनी भी चर्चित महिलाएं हैं। तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक SSC, बैंक, रेलवे, NTPC, ग्रुप डी, तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। आइए क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से। सबसे पहला क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बनी? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, जया वर्मा सिन्हा को। आइए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो रेलवे के बारे में अगर हम बात करें, ये जो इंडियन रेलवे है, इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुआ था। कब हुआ था? 16 अप्रैल 1853 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और रेलवे के मंत्री कौन है इस समय? अश्विनी वैष्णव जी हैं। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछ रहा है, पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की कमान संभालने वाली पहली महिला IFS अफसर कौन बनी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा गीतिका श्रीवास्तव। अब क्वेश्चन नंबर तीन देखते हैं, मिस डीवा यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वेता श्रद्धा ने जीता। क्वेश्चन नंबर चार आपके सामने है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने, रवनीत कौर बनी। ऑप्शन में देख फोटो में देख सकते हैं आप रवनीत कौर जी को। इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं CCI के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक। स्थापना इसकी कब हुई थी? तो 14 अक्टूबर 2003 को हुआ था। मुख्यालय इसका कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर पाँच आपके सामने, 2023 में सूरी नाम के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित होने वाली पहली महिला भारतीय कौन बनी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रौपदी मुर्मू, जो हमारे भारत की प्रेसिडेंट हैं इस समय। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लेते हैं। तो सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने मजबूत द्विपक्षीय संबंध के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस सम्मान से सम्मानित किया है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर छः, भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा PT उषा। ये क्या है? एथलीट से हैं। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम जान लेते हैं IOA के बारे में। तो इसका मतलब क्या होता है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। स्थापना इसकी कब हुई थी? तो 1927 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर? तो न्यू दिल्ली में है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सात, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लेयर लोम्बोर्डेली, ठीक। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं OECD की। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। स्थापना कब हुआ था? 30 दिसंबर 1961 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रांस के पेरिस में है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आठ, मिस यूनिवर्स 2022 में का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर बानी ग्रेनबियल अमेरिका से जो हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसका 71वां संस्करण था इस बार, और मिस यूनिवर्स हरनाज संधु भारत से बनी है, और दुनिया की पहली मिस यूनिवर्स अर्मिला कुसेल 1952 में बनी थी, जो कि फिनलैंड से थी। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम नौ देखते हैं। पूछ रहा है, चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनेगी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, क्रिस्टीना कोच। ये हैं क्रिस्टीना कोच। क्वेश्चन नंबर दस पूछ रहा है, वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना IAF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपिका मिश्रा। कौन बनी? दीपिका मिश्रा। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है? राजस्थान की दीपिका को मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान प्रदर्शित असाधारण
साहस के कार्य के लिए वायुसेना पदक वीरता से सम्मानित किया गया। ठीक, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। पूछ रहा है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन जीता है तो इसमें दोनों सही हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, आलिया भट्ट और कीर्ति सेन, ये दोनों लोग जीती हैं। ठीक, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, किस फिल्म के लिए आलिया भट्ट को और गंगूबाई, मतलब आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए मिला था और कृति सेनन को मिमी फिल्म के लिए मिला था। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। सुखोई लड़ाकू विमान 30M के आई उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो दोस्तों ये बनी है अवनी चतुर्वेदी, ये हैं अवनी चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 13, संयुक्त राष्ट्र यूएन को 3 बार संबोधित करने वाली भारत की पहली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, दीपिका देसवाल बनी है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो जो यूएन है ये यूनाइटेड नेशंस इसका फुल फॉर्म होगा, स्थापना कब हुआ था तो 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। मुख्यालय इसका कहाँ है तो यूएसए के न्यूयॉर्क में है। सदस्य में कुल कितना है तो 193 सदस्य हैं। अध्यक्ष इस समय कौन है तो एंटोनियो गुटेरेस हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसको आलिया मीर को सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा, आलिया मीर जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं, इनको यह पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण के सभी पहलुओं में उनकी उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख कौन बनी? तो दोस्तों ये बनी है निकोला फॉक्स, ये है निकोला फॉक्स। इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या रहेगा, तो नासा का फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना इसका कब होता है 29 जुलाई 1958 में। मुख्यालय इसका कहाँ है तो वाशिंगटन डीसी में है। अध्यक्ष कौन है तो बिल नेशनल्स है। क्वेश्चन नंबर 16, सरस्वती सम्मान 2022 में से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है शिव शंकरी को। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या रहने वाला है, तो तमिल लेखिका शिवशंकरी को उनके पुस्तक सूर्यवंशम के लिए 2022 की सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 17, आईसीसी मेंस टी ट्वेंटी आई क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा किम काटन, जो कि न्यूजीलैंड से हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी? तो दोस्तों ये बनी है शालिजा धामी। कौन बनी है तो शालिजा धामी बनी है। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या रहने वाला है, तो शालिजा धामी पश्चिमी क्षेत्र में मिसाइल्स रक्सड्रान की कमान संभालेंगी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो दोस्तों ये बनी है मेघना अहलावत। कौन बनी है, मेघना अहलावत। तो दोस्तों TTFI इसका मतलब क्या होगा, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुआ था तो इसका स्थापना था 1926 में। मुख्यालय कहाँ है तो न्यू दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो दोस्तों ये बनी है लांस नायक मंजू। कौन बनी है, लांस नायक मंजू। क्वेश्चन नंबर 21, सीमा सड़क संगठन BRO की विदेशी परियोजना तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है? तो दोस्तों ये बनी है कैप्टन सुरभि जखमोला। कौन बनी है, कैप्टन सुरभि जखमोला। तो दोस्तों कैप्टन जखमोला को भूटान में BRO की ओर से चलाए जा रहे प्रोजेक्ट दंतक के लिए तैनात किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22,
मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों ये जीती हैं प्रियांश सेन। कौन जीती हैं? तो प्रियांश सेन जीती हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या रहने वाला है? तो नई दिल्ली में आयोजित मिस डिवाइन ब्यूटी 2023 राष्ट्रीय फाइनल में प्रियांश सेन ने मिस अर्थ इंडिया 2023 खिताब जीता। वह जयपुर राजस्थान की रहने वाली हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 23 देखते हैं। लगातार ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो दोस्तों ये बनी है एसले गार्डन, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। एसले गार्डनर कहाँ से हैं? ऑस्ट्रेलिया से हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इन्वेस्ट इंडिया की नई प्रबंध निदेशक MD और CEO कौन बनी है? तो दोस्तों ये बनी है निवृत्ति राय। कौन बनी है? निवृत्ति राय। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या रहने वाला है? तो इन्वेस्ट इंडिया है जो इसकी स्थापना 2009 में हुआ था और मुख्यालय इसकी कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सिल्वियर डे ला लेगियन डी होनूर 2023 ने किस भारतीयों को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों किरण नादर को सम्मानित किया गया है। किसको? तो किरण नादर को सम्मानित किया गया है। अब कला संग्रहकर्ता किरण नादर को भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनन के सोलिविलियर डे ला लेगियन डी होनूर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, नागालैंड राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला सांसद कौन बनी है? तो दोस्तों ये बनी है फंग नोन कोन्याक। कौन बनी है? फंग नोग केन्याक। नेक्स्ट, लग्जरी फैशन ब्रांड QC की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो दोस्तों ये बनी है आलिया भट्ट बनी है। कौन बनी है? आलिया भट्ट। ये क्या है? अभिनेत्री हैं। नेक्स्ट, मेटा इंडिया की नई प्रमुख और उपाध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों ये बनी है सांध्या देवनाथन। कौन बनी है? सांध्या देवनाथन। अब मेटा मतलब तो आप जानते हैं जिसका पुराना नाम फेसबुक है, ठीक। स्थापना कब हुआ था? तो 2004 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया USA में है। USA के कैलिफोर्निया में है। इसके CEO कौन है इस समय? मार्क जुकरबर्ग हैं इस समय। नेक्स्ट, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो दोस्तों इटली की पहली महिला जॉर्जिया मेलोनी बनी है। कौन बनी है? जॉर्जिया मेलोनी। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या रहने वाला है? होने वाला है इटली जो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इटली की राजधानी कहाँ पे है? तो रोम में है। इटली की करेंसी क्या है? तो यूरो है। इटली के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान? तो सर्जियो मत्तेरेला हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है, दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों आशा भोसले को सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? आशा भोसले को, जो कि लता मंगेशकर की ही बहन है। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार महान गायिका लता मंगेशकर की स्मृति और सम्मान में स्थापित किया गया था, जिनका फरवरी 2022 में 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ था। नेक्स्ट, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीती हैं आलिया भट्ट जीती हैं। कौन जीती हैं? आलिया भट्ट। क्वेश्चन नंबर 32, तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है शांति कुमारी। कौन बनी है? शांति कुमारी बनी है। नेक्स्ट, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की नई प्रमुख कौन बनी है? तो NDB की प्रमुख बनी है डिल्मा रूसेफ। कौन बनी है? डिल्मा रूसेफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या रहेगा? जो NDB है इसका फुल फॉर्म क्या होगा? न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक। स्थापना कब हुई थी? तो 15 जुलाई 2014 में हुआ था। मुख्यालय इसका चीन के संघाई में है। स्थापक कौन है? तो ब्रिक्स ग्रुप है। कौन है? तो ब्रिक्स ग्रुप।
नेक्स्ट, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? तो WMO की पहली महिला बनी है मुख्य सचिव, ये बनी है सेलेस्टे सोलो बनी है। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा, तो WMO जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना कब हुआ था, तो 23 मार्च 1950 में हुआ था। मुख्यालय इसका कहाँ पे है, तो स्विट्जरलैंड के कहाँ पे है, जिनेवा में है। सदस्य इसमें 193 हैं। नेक्स्ट, अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है, तो ये बनी है लिसा फ्रेंचेटी बनी है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, कहाँ पे है, अमेरिका है उत्तरी महाद्वीप में स्थित है। अब इसकी राजधानी की बात करें तो ये कहाँ पे है, वाशिंगटन DC में है। करेंसी यहाँ पे क्या है, अमेरिकी डॉलर है। 46वें राष्ट्रपति कौन है, तो जो बाइडन है। उपराष्ट्रपति कौन है, तो कमला हैरिस हैं। 36, संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी, तो दोस्तों ये बनी है एमी पोप बनी है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या रहने वाला है, प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन IMO, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशंस, जिसे हम शॉर्ट में IOM बोलते हैं, इसका गठन कब हुआ था, तो गठन 6 दिसंबर 1951 में हुआ था। मुख्यालय इसका कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। सदस्यता 2023 में कुल कितने थे, तो 175 देश इसमें शामिल थे। नेक्स्ट, सशस्त्र सीमा बल SSB की नई महिला महानिदेशक कौन बनी है, तो दोस्तों ये बनी है रश्मि शुक्ला। कौन बनी है, रश्मि शुक्ला। अब SSB की बात करें तो सशस्त्र सीमा बल इसका फुल फॉर्म होता है, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 20 दिसंबर 1963 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। 38, वोडाफोन समूह की नई CEO कौन बनी है, तो दोस्तों ये बनी है मार्गोरिटा डेला वेले। कौन बनी है, मार्गोरिटा डेला वेले। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो वोडाफोन ग्रुप है, स्थापना इसका कब होता, तो 16 सितंबर 1991 में। मुख्यालय इसका कहाँ है, इंग्लैंड में है। संस्थापक कौन थे, अर्नेस्ट हैरिस और गेरी कब थे। 39, 2023 में लीपजिग बुक पुरस्कार किसने जीता, तो दोस्तों ये जीती हैं मारिया स्टेपनोवा। कौन जीती हैं, मारिया स्टेपनोवा। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या रहने वाला है, रूसी मूल की लेखिका मारिया स्टेपनोवा को उनके कविता संग्रह गर्ल्स विदाउट क्लास के लिए वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित लीपजिग बुक प्राइज फॉर यूरोपियन अंडरस्टैंडिंग से सम्मानित किया गया है। 40, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की नई CEO कौन बनी है, तो दोस्तों ये बनी है लिंडा याकरिनो। कौन बनी है, लिंडा याकरिनो। अब ट्विटर जो है, स्थापना इसका कब हुआ था, तो 21 मार्च 2006 को हुआ था। मुख्यालय इसका कहाँ है, तो USA के कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है, तो दोस्तों ये जीती हैं नंदनी गुप्ता। कौन जीती हैं, नंदनी गुप्ता। अब नंदनी गुप्ता गुप्ता भारत की 59वीं मिस इंडिया बनी। नंदनी गुप्ता राजस्थान के कोटा शहर की रहने वाली हैं। मिस इंडिया 2023 में सिन्नी सिट्ठी को मिला। नेक्स्ट, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास जांजीबार परिसर की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, तो दोस्तों ये बनी है प्रीति अघलायम बनी है। ठीक,
इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, आईआईटी मद्रास अंतर्राष्ट्रीय परिसर शुरू करने वाला भारत का पहला आईआईटी बन गया, जो तंजानिया के जांजीबार में बन रहा है। 43, संयुक्त राष्ट्र यूएन में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों रुचिका कंबोज को नियुक्त किया गया। किसको? तो रुचिरा कंबोज को। 44, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी? तो दोस्तों ये बनी है मिशेल यो, हांगकांग, हांगकांग के ये रहने वाली हैं, मिशेल यो बनी हैं। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, किस फिल्म के लिए मिला है? तो द एवरीथिंग्स एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए। 45, वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो दोस्तों ये बनी हैं सुरेखा यादव। कौन बनी है? सुरेखा यादव बनी है। अब चर्चित महिलाओं से वन लाइनर के टॉप 10 क्वेश्चंस इसमें देख लीजिए। तो NADA ने प्रतिबंधित एनाब्लॉकिक एंड्रोजेनिक स्टेराइड ड्रोस्थानोलोन के लिए फिर किस महिला भारोत्तोलक खिलाड़ी पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो दोस्तों ये लगाया है संजीता चानू को। किसको? संजीता चानू। आगे देखेंगे, मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों ये जीती हैं माधुरी पटेल। आगे, 2023 में फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है कैसी फेयर बनी है। आगे देखेंगे, 2023 में लगातार दूसरा अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन बनी है? तो दोस्तों ये बनी है अंतिम पंघाल। कौन बनी है? अंतिम पंघाल। क्वेश्चन नंबर 5, अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है तेनजिंग यांगकी बनी है। कौन बनी है? तेनजिंग यांगकी। आगे देखेंगे, आकाशवाणी और समाचार आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की नई प्रधान महानिदेशक कौन बनी है? तो दोस्तों ये बनी है डॉक्टर वसुधा गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 7, डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों ये जीती हैं प्रवीणा अंजना। कौन जीती हैं? प्रवीणा अंजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, दुनिया के सबसे ऊंचे विश्व युद्ध सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो दोस्तों ये बनी है कैप्टन शिवा चौहान। कौन बनी है? कैप्टन शिवा चौहान। आगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम की पहली महिला फील्ड निदेशक कौन बनी है? तो दोस्तों ये बनी है डॉक्टर सोनाली घोष। कौन बनी है? डॉक्टर सोनाली घोष। आगे देखेंगे, ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीती हैं जुआना स्केनाल लान। फिल्म टार, फिल्म इसका फिल्म क्या है? टार। कौन सा फिल्म है? टार। अब आप लोगों के लिए टेस्ट है, आप लोग बताइएगा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बनी है? ऑप्शन आपके साथ है, पहला है जया वर्मा, दूसरा डॉक्टर सोनाली घोष, अनुप्रिया पटेल या अपूर्वा श्रीवास्तव। फिर उसके बाद में आप बताइएगा भारतीय ओलंपिक संघ AIOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? आप इसमें बताइएगा, ऑप्शन है आपके पास मैरी का मुक्केबाज, PT उषा एथलीट, मिताली राज क्रिकेट, अवनी लेखरा शूटर। तो दोस्तों चलिए वीडियो को करते हैं पे समाप्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।